हमारे घर पे फ्रेंकी बनने वाला है, तो उसके लिए आलू उबाल लेंगे। यहाँ पे आलू ले लिए, इसको उबाल लेंगे पहले ना, फिर बाद में मसाला डालते हैं। चलो चलो अभी इधर चलो, इधर बनाने की मतलब बताने की तैयारी कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक्साना मुल्ला कुकिंग किचन में, और एक नया रेसिपी लेकर आ गई हूँ, वो है चिकन वेज फ्रेंकी। आप लोग ने हर तरीका का फ्रेंकी खाया है, अब मेरे मम्मी का स्टेप फॉलो करके फ्रेंकी बना के खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग को एक एक करके बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या लिया है हम लोग ने यहाँ पे। चलो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दो। ये लिया है कैप्सिकम 50 ग्राम, पत्ता गोभी 50 ग्राम, गाजर 50 ग्राम, कांदा 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम। अब यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और ये जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और 5 बटाटा, और 5 बटाटा लिया है, और यहाँ पे जो इतना इतना इंच अदरक और 5 कली लहसुन। अभी इसको उबाल के लेकर पहले उबालना जरूरी, उबाल के ठंडा करना जरूरी। अच्छा, उबाल के ठंडा करना जरूरी है, पहले इसको उबाल लेने का। ओके ठीक है। ये जो चिकन होगा, चिकन 100 ग्राम लिए बोनलेस, 100 ग्राम लिए बोनलेस। क्या क्या करेंगे आप लोग, सब स्टेप को फॉलो करो। चलो शुरू करते हैं, अभी मैरिनेशन कर लेंगे। ये बोन ले लिए चिकन के, बोनलेस ले लिए, क्या बोल रहे थे, पतला पतला, हाँ पतला पतला स्लाइस कट लिए। ये देखो, स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। चाट मसाला दिए चटपटा होने के लिए, हाँ घर का है ये, घर का बना हुआ चाट मसाला। ये है गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, ये भी घर का बनाया हुआ होममेड। जीरा 1/2 टेबल स्पून, नहीं 1/2 टेबल स्पून से आधा है एकदम, अच्छा 1/4, हाँ 1/4। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। मैरिनेशन कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक एक पहले, ये मेन चीज, हाँ ये सब गरम गरम आलू के अंदर जाने जाएगा तो आलू गल जाएगा। अब हम कौन उसमें मैदा डाल लेना, या तवा में चिपक जाएगा, थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ताकि चिपके ना एक दूसरे को, और तवा में भी चिपके ना एकदम इजीली, हम लोग को निकालने का तकलीफ ना हो। इसको शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं करेगा, शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, चलो चलो किचन में जाते, तेल डाल देंगे चिकन में, चिकन का फ्राई होगा। हो गया, एक एक करके चिकन इसमें डाल देंगे। नमक बराबर है, ठीक है, परफेक्ट एकदम। ये सब मेन चीज पहला, आप लोग भी ऐसे स्टेप फॉलो करके बनाओ ना, आप लोग को इजी भी लगेगा, एकदम आराम हो जाएगा, इजी लगेगा, आराम से आप लोग बना पाओगे, आप लोग घबराहट महसूस नहीं होगा। क्योंकि कोई कोई जिनको बनाने में कुकिंग में घबराहट महसूस होता है, कौन सा पहला चीज बनाए, हाँ तो आप लोग को इजीली, आप लोग मम्मी का स्टेप फॉलो करोगे ना तो आप लोग को घबराहट महसूस नहीं होगा। कलर करके कितना अच्छे से फ्राई हो गया, एक भी चिपका नहीं, मैदा डालने से देखो चिपका नहीं। आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ आप लोग फ्राई कर रहे हो, मच्छी या चिकन, गोश्त, मटन ज़्यादा फ्राई करो तो क्यों ना, तो फिर आटा डाल देना या मैदा डाल देना, कॉर्नफ्लावर चिपके हो जिससे तेल डाल देंगे। अच्छा तो फ्राई हो गया, धीमे आँच में करो, हाँ धीमे आँच में गैस अपना कच्चा नहीं रहे, धीमे आँच में है ना, लो फ्लेम में ना, वही दिख रही है, देंगे गैस लो करके। सुबह मतलब मैं ढक देती हूँ धीमे आँच में, पकेगा मैं उधर मैदा आलू को देखती हूँ। ठीक है चलो, इसको छील लेंगे, छील के ये बाउल में रख देंगे, केक करके मैश कर लेंगे, से हाथ से इसको मैश कर लेंगे, एकदम उसमें एकदम मैश होना चाहिए, एकदम एकदम एक भी अक्का नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से मैश होना। उसका जो मसाला बनाते हैं उसमें ऐसा बटाटा भी रहेगा चलेगा, हाँ इसमें एकदम बारीक, एकदम देखो आटा छानते जैसा वैसा होना चाहिए, देखो ऐसा करके हो गया भी अच्छा से। हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप फॉलो करो तब पता चलेगा। जाके यही सब पहले बनिए, ठंडा करती था, बोले चिकन पक गया कि नहीं हमारा, वाह जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अच्छा भी नहीं रहेगा कुछ, कितना अच्छा जबरदस्त हो गया एकदम। अभी निकाल लेंगे, ठंडा करने रखेंगे ना, लोग भी जब चिकन को बनाना ऐसे ही बनाना, हाँ फ्रेंकी जब बनाओगे तो, हाँ फ्रेंकी का जो चिकन बनेगा ना ऐसे ही बनेगा सब।
इसके जगह पे यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, अब इसमें जाएगा तेल, थोड़ा सा तेल डालने का, बस तेल डाल देंगे इसमें, गया अदरक लहसुन डाल देंगे। अब इसके साथ मिर्ची डाल दूंगी मैं, हरी मिर्ची, हाँ हरी मिर्ची गोल ही मैंने दिखा दी, इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची गोल ही है, दो डाल देंगे, डाल देंगे इसमें, तो थोड़ा थोड़ा आँच में पको पकाने का है, लाल नहीं करने का, खाली इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसको खुशबू आ जाए। इसमें पहले डाले मिर्ची, इसके साथ में इसमें डाले कि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट का, फिर तो खुशबू आ जाएगा। एक करके मसाला, हल्दी पाउडर सब चिपकेगा, डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला, चाट मसाला, धनिया, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और इसको मसालों को अच्छे से, मसालों को अच्छे से भून लेंगे, पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा भून के एकदम अच्छी तरह से भून गया है इधर पर, अभी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, क्योंकि इसका मसाला एकदम आलू में चिपकेगा भी, हाँ सूखा मसाला आलू में चिपकेगा नहीं, से थोड़ा सा पानी डाल दिए, फिर कट करा हुआ फ्रेश करा हुआ आलू को मिक्स कर लेंगे मसाला में, अपने ऊपर बस इसको डाल देंगे। देखो मसाला सब आलू में लग गया है, अब इसको ठंडा करने रखते हैं, अब वहाँ पर जाएंगे, इसको मिक्स कर लेना पड़ेगा ना, मिक्स कर लेंगे, अब वहाँ पर जाएंगे वो डो बनाने के लिए, हाँ। रोटी का डो बना लेंगे, चलो डाल लेंगे, ये क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ताज़ा ग्रीन चटनी बना के लाया, कितना ज़बरदस्त है एकदम, बहुत मम्मी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, कितना जबरदस्त, आहा ऐसा ठीक रखने का उसको, हाँ मैं इसमें कैसा करके किसमें डालूंगी अभी, उसमें भी किसमें मिलाऊंगी आप लोग देखना पूरा, ठीक है स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, तभी मालूम पड़ेगा एकदम। मम्मी हम लोग जैसे वड़ा पाव लेकर आते मालूम है, उसकी जैसा बना, सेम उसकी जैसा, रेडी हो गया, अब रख देंगे साइड में, डाल देंगे मैदा डो बनाने के लिए, रोटी का कटोरा ले लीजिए, दो कटोरा मैदा, आप लोग इसमें आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हो, पूरा आटा की भी बना सकते हैं, मैं पूरा मैदा ले रही हूँ, आप लोग इसमें आटे का भी बना, आटा और थोड़ा मैदा लेके भी मिक्स करके बना सकते हो, और ये आटे का भी बना सकते हो, यहाँ पे मम्मी ने सिर्फ मैदे का बना रहे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, स्कूल का बॉटल है, मेरा स्कूल का बॉटल, इसको अभी पानी भर के रखते हैं तो हम लोग पीते हैं, घर का बोतल का जैसा काम आ गया, हाँ घर के बोतल के जैसा काम आ गया वो, इसका डो एकदम सॉफ्ट बनाने का है ना, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाने का, एक साथ में पानी नहीं डालने का, हाँ ठीक है, एक साथ में पानी डालेगा तो गिल्ला हो जाएगा फिर, के डो कंप्लीट, उसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल डालने से क्या होगा, ये एकदम सॉफ्ट रहेगा, अच्छा। ये जो आग में कैसा लगा हुआ है ना, अच्छा वो निकल जाएगा, सब छूट जाएगा, अच्छा। करके हाथ में से भी, अच्छा ठीक है, देखो कितना अच्छा हो रहा है, इजीली सब निकल जा रहा है, सब मस्त हो रहा है, देखो वाव, पराठा की मैदा बन गया है, कोलकाता स्टाइल पराठा, कोलकाता स्टाइल पराठा बन गया है अपना हम लोग का, नहीं इसका डो बन गया, हाँ कोलकाता स्टाइल का पराठा का गोल ये दो बनता है, हाँ 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, कंप्लीट देखो कितना मुलायम डो बन गया है, अभी भी आप लोग को मैदा भिगा के रखने का है ना, तेल डाल देने का, तो क्या अब आजू बाजू चिपकेगा नहीं, एकदम मुलायम हो जाएगा, अब एक एक करके जो लीची है पेड़े वो काट लेंगे पेड़े मिठाई नहीं है मिठाई वाला मैदा का पेड़ा काट लेंगे, हो गया ना 6 पीस हो गया, चलो अब इसको अब बनाने की तैयारी करते हैं, करके रख देती हूँ मैं, चलो अभी रुखसाना मुल्ला का किचन में चलो, वहाँ जाके बनाएंगे, अब क्या बनेगा वो देखना, चलो रुखसाना मुल्ला के साथ में किचन में, 2 रकम का मम्मी रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने का तैयारी कर लेंगे इधर पर, मतलब 2 रकम का रोटी बना के दिखाऊंगी आप लोग, अच्छा 2 तरीका का रोटी बना के दिखाएंगे, आप लोग को क्या है आसान हो जाएगा, हाँ शॉर्टकट हो जाएगा, ये देखो डो बन गया एकदम पतला, एकदम पतला डो बन गया, दूसरा एक बना के बताते हैं, डाल देंगे उसको बनाना, तरीका का कैसा करके मम्मी बनाते हैं बताएंगे आपको, ये देखो आप लोग एक साथ में 2 रोटी बनेगा, एक साथ में 2 रोटी वो कैसा बनेगा आप लोग देखो,
रुखसाना मुल्ला के तरीका का रोटी देखो। मुल्ला मतलब मेरी मम्मी का बनाने का दो रोटी का तरीका देखो कैसा बनाते हैं। अब इसको ठीक है आटा आटा डाल दिए और मैदा। हाँ अच्छा मैदा। अब इसको ऊपर इसको डाल दिए। अब इसको बेलोगे खुद अच्छे से बेल लेंगे। इसको थोड़ा उठा उठा के बेलेंगे ना तो गोल हो जाए कि एकदम मैदा जो एकदम अच्छा वाला मैदा होगा इसलिए एकदम नरम और एकदम गोल गोल बन रहा है एकदम उसका एकदम बोलते ना अच्छा हो गया। हाँ छाने ना मुलायम हो गया। फ्राई पैन गरम हो गए डाल देंगे कढ़ाई वाला डालोगे ठीक है ठीक है। वाओ जबरदस्त ये देखो जबरदस्त हो गया एकदम। फूलेगा कि नहीं फूलेगा थोड़ा थोड़ा फूल रहा है पूरा फूलेगा कि नहीं फूलेगा आप लोग बताना कितना जबरदस्त। और दूसरा भी डाल देंगे एक नहीं सकते ये जो शॉर्टकट कैसा हो गया ये देखो रोटी बेलना शॉर्टकट कैसा बन गया देखो दो रोटी एक साथ में ये देखो नरम नरम एकदम एकदम नरम नरम कितना जबरदस्त। अब जब हम बनाएंगे तवा में पहले इसको रखेंगे ये फ्राई हो जाएगा तो इसको आप ढक के रख सकते कड़क नहीं होने के पलट देंगे। एक एक करके इसका गोला बना बना के रखोगे इसमें। अच्छा ऐसा करके बना के रेडी हो गया। अब बनाने दूसरा जो रोटी में डालने की तैयारी करते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप सब दिखा रहे हैं आप लोगों को स्किप ना करो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। रखनी है हाँ आप लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्किप ना करें हमारे वीडियो को अच्छे से अच्छी तरह से देखिए आँख खोल के देखिए ताकि लगे अच्छी तरह से मालूम पड़े कि क्या क्या मसाला गया है ठीक है। मन से हाँ मन से देखना ध्यान से देखना का डाल के इसको अभी टमाटर के मक्का से मैं इसको अच्छा से गरम कर लूँगी। आपको अगर तेल से बनाना है तेल मक्का से भर लिया उसका लगा दिया इसलिए जो डबल बनाई थी वो पहला नीचे जाएगा। अच्छा ये नीचे चला गया और अच्छा से बनेगा तो देखो कितना छोटा सा मिक्स कर लिया मैं लगा दी। अब सेजवान चटनी लगाएंगे ये देखो सेजवान चटनी का बोतल सेजवान चटनी का बोतल देखो लगा देंगे मतलब मैं बता रही हूँ सेजवान चटनी है ये आप भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी इधर डाल देंगे डालेंगे बीट रूट है उसको लिए अच्छा है शिमला मिर्च कांदा कांदा डाल देंगे आलू का जो बैटर बनाए थे वो डाल दिए है जाएगा ऊपर से चिकन डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला काला नमक डाल देंगे ऐसा मोड़ देंगे वापस मसाला लगा देंगे थोड़ा मसाला लगा देते रेडी। आहा अब इसको निकाल लेंगे ये देखो कितना जबरदस्त डाल देंगे उसमें ऊपर ऊपर से मस्का डाल देंगे ग्रीन चटनी होममेड दो बना के आप लोग को दिखा रही मैं। हाँ ताकि आप लोग को चटनी खाने का ये क्या चटनी था चटनी है। हाँ इसको रेसिपी मांगेगा तो हम लोग देंगे। हाँ आपको अगर इसका रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके बताना आप लोग को इसका रेसिपी भी अपलोड होगा। आपकी वन चटनी गाजर शिमला मिर्च पत्ता गोभी बीट रूट और कांदा जाएगा अभी डाल देंगे कांदा ऊपर से चाट मसाला सब्जी में नहीं डाली थी अभी सब्जी में डाल के बताती हूँ आप लोग सब्जी में भी डाल चाट मसाला और काला नमक डाल सकते हैं। डाल देंगे ऊपर से वापस आलू का बैटर उसमें चिकन डाल देंगे भर के एकदम डाल देंगे इतना अच्छी तरह से वाव बहुत जबरदस्त टेस्ट बहुत होगा इंशाल्लाह। दूसरा भी रेडी क्या खुशबू आ रही है सेम फ्रेंकी भैया स्टाइल जो सैंडविच बनाते हैं ना टोस्ट सैंडविच उसके पास जो फ्रेंकी मिलता है सेम वैसी खुशबू आ रही है मम्मी। आहा अब लोग को ऐसे पकड़ के उसको उल्टा करना है। हाँ तो अच्छा इजी से बना भी सकते हैं उठा लेंगे वाह जबरदस्त एक सीधा खोलने वाला रखी एक उल्टा फ्रेंकी वेज चिकन फ्रेंकी रेडी हो गया है। अब इसमें देखो कितना जबरदस्त लग रहा है देखने में खाने में जितना देखने में जितना जबरदस्त लग रहा है ना जबरदस्त खाने में उससे डबल जबरदस्त होगा टेस्टी होगा टेस्टी भी और जबरदस्त भी है। अब इसमें डाल देंगे
मेयोनीज, आहा कितना जबरदस्त मसाला देखा, आहा खुशबू, मम्मी सिम फ्रेंकी वाले अंकल के जैसा खुशबू आ रहा है। तो चलो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाओ, शाम का नाश्ता बनाओ और फ्रेंकी बनाओ, वेज चिकन फ्रेंकी बनाओ, खाओ, खाते खाते इंजॉय करो। तो चलो ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और नया नया रेसिपी आप लोग के साम आप लोग को देखने मिले। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, वीडियो इधर एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, बाय, अल्लाह हाफिज़।